डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं स्पीडी में और क्रॉन और लूसेंट में, उसमें काफ़ी कुछ धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आज एक छोटी सी उपलब्धि है कि हम लोगों का मॉडल सेट्स समाप्त हो जाएगा। 234 साइंस के स्पीडी में मॉडल सेट्स थे, ये मॉडल सेट्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक सेगमेंट कंप्लीट हुआ, लेकिन एक नया सेगमेंट जुड़ जाएगा टेस्ट पेपर का। आपने देखा होगा कि साइंस वाले स्पीडी में टेस्ट पेपर्स थे, इसमें चार ऑप्शंस के साथ ऑब्जेक्टिव्स थे, चार ऑप्शंस के साथ, तो आपको बनाना है। ये टेस्ट पेपर है, आपने जो पढ़ा है उसका टेस्ट देना है। ये भी लगभग 20 क्वेश्चंस के टेस्ट पेपर्स हैं। तो टेस्ट पेपर आज ऐड होगा, लेकिन मॉडल सेट्स आज समाप्त हो चुका है। और थोड़ा सा रिलीविंग फैक्टर है कि बुक से आज टॉपिक्स आपको नहीं मिल रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा रिलीविंग टच होना चाहिए, काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल रहा है, तो आज बुक्स से हम आपको नहीं दे रहे हैं। और संडे को कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, ताकि उस दिन आप रिवीजन कर लें, कुछ छूट रहा है तो। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं उसमें स्पीडी से ही साइंस और जीके जीएस करेंगे, बुक्स नहीं है। आज जो जीके जीएस का है टॉपिक्स, उसमें पेज नंबर 82 से 85, चार पेजेस हम लोग करेंगे आज जीके जीएस में। आप 82 नंबर पेज पर आएंगे तो यहाँ पर कुछ प्रमुख लीडर्स का जन्म का साल दिया हुआ है, ईयर ऑफ बर्थ। जैसे महात्मा गांधी के बारे में बहुत बार आ चुका है, उनका जन्म का साल कई बार पूछ चुका है। सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मदर टेरेसा हैं, इन लोगों के बारे में यहाँ पर जन्म का साल, कुछ चुने लोगों का, सारे का नहीं करना है, कुछ गिनती के जो बड़े लीडर्स हैं उनका कर लें, एक बॉक्स बना कर दिया हुआ है। और इसी पेज पे एक और सेगमेंट है, वो है कुछ प्रमुख वनस्पतियाँ जो विशेष क्षेत्रों में उगती हैं या विकसित होती हैं। जैसे पहाड़ों पर पेड़ पौधे उगते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं, या रेगिस्तान में या पानी में। हाइड्रोपोनिक्स, आपने देखा है कि जलीय पौधे होते हैं, जल में पौधों का विकास। यहाँ पर फाइट आपको दिखेगा, ज़ेरोफाइट, हेलोफाइट, इस तरह के फाइट्स, यानी रेगिस्तानों में, पर्वतों में, समुद्र में, ऐसे क्षेत्रों में जो पेड़ पौधों का विकास या जन्म है उससे संबंधित यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 83 नंबर पे आएंगे तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर सारा सेगमेंट अच्छा है। इसमें पहला है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनके आविष्कारक, तो इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इनके आविष्कारक कौन है। तो ये तो अच्छा है, इसे आप अच्छे से आप कर लें और याद भी रखें, ये आता है एग्जाम में। और यहाँ पर दूसरा सेगमेंट है उपनाम, टाइटल्स, जैसे कि हॉकी का जादूगर, उड़न परी किसे कहा गया, पीटी उषा को उड़न परी कहा गया, ये सब एग्जाम्स में आता है, फ्लाइंग सिख, तो ये उपनाम आप कर लें। और फिर यहाँ पर पेड़ पौधे या फूल, सबसे छोटे सबसे बड़े, ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा फूल, सबसे छोटा पौधा, सबसे बड़ा पौधा, सबसे बड़ा फूल, ये सब यहाँ पर कलेक्शन है। तो पेज नंबर 83 पे इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, इसे आप अच्छे से देखें। नेक्स्ट पेज पे 84 नंबर पे भी इम्पॉर्टेंट है, जितने खनिज हैं और फसल हैं उनके उत्पादन का राज्य दिया हुआ है, टॉप मोस्ट, तो लोहा है, चांदी है, सोना है, इनमें खनिजों में कौन देश में सबसे टॉप पे राज है। और फिर यहीं पर दिया हुआ है दूसरे सेगमेंट में, जितने फसल हैं उनमें टॉप पर, आलू के उत्पादन में भी भारत का कौन सा राज्य है, गेहूँ के उत्पादन में, मछली उत्पादन में, तो ये सब यहाँ पे, ये भी है। तो मिनरल्स भी हो गए और जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उनका कलेक्शन है, फर्स्ट टॉप पे कौन से राज्य हैं, अच्छा ये भी आपको टॉपिक्स हो जाएगा। तो ये तीन पेजेस हुए। और चौथा पेज जो है 85 नंबर, तो यहाँ पर भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिखाई देता है, कुछ प्रमुख शहर किसी विशेष उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, जैसे अलीगढ़ तालों के लिए, पीतल के लिए, मुरादाबाद, तो ये सब आपको दिया हुआ है, कुछ शहर विशेष, जो लुधियाना साइकिल के लिए, तो इसका कलेक्शन है, कुछ प्रमुख शहर और उनसे संबंधित औद्योगिक उत्पादन, ये भी आप देख लें। तो चार पेजेस हो गए जीके जीएस के। उसके बाद हम लोग 10 सेट्स करते हैं, ये सेट्स 450 के आसपास हैं, अभी हम लोग 151 से 160 के बीच कर रहे हैं, 10 सेट्स आज हम लोग कर रहे हैं, 160 तक हम लोग पहुंचे हैं, ऐसे 450 सेट्स हैं, तो इसे धीरे धीरे समाप्त करना है, 10 सेट्स कर लें। उसके बाद हम लोग राज्य करते हैं, ये राज्य आज समाप्त हो चुका है, अब राज्य नहीं दिया हुआ है आपके इस बुक में, अब राज्य या यूनियन टेरिटरी नहीं है, जितना था दे दिया, उसके बाद देख रहे हैं कि राज्यों का अब यहाँ पर अंत कर दिया गया है, तो राज्य या यूनियन टेरिटरी अब आपको दिखाई नहीं देंगे, स्पीडी में जितना था उतना हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद हम लोग साइंस से कुछ टॉपिक्स लेते हैं, स्पीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान से, इसमें आज तीन पेजेस हम लोग करेंगे, 141, 143 और 145। अच्छा, कुछ लोग पेजेस पे कंफ्यूज होते हैं, अगर कॉमा दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि बीच में अंतराल है, गैप है, 130 के बाद अगर 140 लिखा हुआ है, संभव है कि बीच में कॉमा होगा, इसका मतलब 130 से 140 पेज नहीं है, बल्कि 130
कॉमा और फिर 140वें पेज पर आप जाकर देखें। तो ये ध्यान रखें, अगर 10 12 14 पेज का अंतर है और बीच में कॉमा है तो इसका मतलब है कि कोई एक ही पेज है, 130 और उसके बाद फिर 140 नंबर पेज पे जाना है, एक साथ कंटिन्यूअस पेजेस नहीं है। कॉमा का मतलब है बीच में गैप, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आज 141 नंबर पेज पे हम लोग देख रहे हैं, बॉटनी करेंगे हम लोग। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दो अस्पष्ट विभाजन है बायोलॉजी में। आज हम लोग कर रहे हैं वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान कर चुके हैं, यानी पेड़ पौधों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, किस क्षेत्र में किस प्रकार के पौधे, कहाँ किस प्रकार के फसल का उत्पादन होता है, प्रकाश संश्लेषण आपको दिखाई देगा, कौन कौन सी गैसेस यहाँ पर जनरेट होती हैं या इनहेल करते हैं पेड़ पौधे, इस तरह का आपको यहाँ पर वनस्पति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। और उसका नेक्स्ट पेज 143 पे जाएंगे तो यहाँ पर कृषि विज्ञान है, यानी एग्रीकल्चरल साइंस है, एग्रीकल्चर से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कौन सा फसल किस क्षेत्र में उत्पादित होता है, इनकी कौन कौन सी प्रजातियां हैं, ये किस प्रकार की मिट्टियों में उत्पादित होते हैं, इनके विकास विस्तार को हम क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सब यहाँ पर आपको कृषि विज्ञान में एग्रीकल्चर साइंस में दिखाई देगा। उसको नेक्स्ट 145 नंबर पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों से संबंधित इंपॉर्टेंट कलेक्शन, पूरे देश में गाय भैंस बकरी कुक्कुट इनका सर्वाधिक संख्या कहाँ है, इनका रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, इनका नस्ल क्या क्या है, तो कई बार आ चुका है गिर किसका नस्ल है, शाहीवाल मुर्रा ये सब किस जानवर के नस्ल हैं, इनके रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ हैं, सर्वाधिक संख्या गाय भैंस बकरी की कहाँ है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग 10 मॉडल सेट्स साइंस में करते हैं, लेकिन मॉडल सेट्स आज समाप्ति की ओर है, आज 5 ही मॉडल सेट्स आपको करना है, 231 से 234 मॉडल सेट समाप्त, 5 मॉडल सेट्स हैं, इसे आप कंप्लीट करें, ये सेट समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद लास्ट आज एक नया खंड जुड़ रहा है, वो है मॉडल सेट्स की समाप्ति के बाद टेस्ट पेपर आपको देखना है, ये टेस्ट पेपर है, यानी आपने जो पढ़ा है उसका टेस्ट दीजिए, 30 ऐसे टेस्ट पेपर हैं, 30 5-5 हम लोग लेंगे, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 1 से लेकर 5 टेस्ट पेपर जिसमें 20 मॉडल सेट्स हैं, यानी 4 ऑप्शंस के साथ आपको ऑब्जेक्टिव है, तो इसे आप बना लें, 5 ऐसे टेस्ट पेपर आपको बनाना है, ये टेस्ट पेपर भी 5-6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ये थे आज के जीके जीएस और साइंस के टॉपिक्स, बुक्स आज नहीं दिया जा रहा है तो आप रिवाइज कर लें अगर टाइम आपको बच रहा है, लेकिन इसे आप बहुत अच्छे से करें जो आज आपको दिया जा रहा है, और संभव है कि कुछ घंटों के बाद मिडनाइट के बाद एक अच्छा प्रैक्टिस सेट भी आपका 100 क्वेश्चंस का आएगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें और काउंट करेंगे कि आपने कितने स्कोर्स किए, ये एक क्लोन टेस्ट है हूबहू आपके दरोगा एसआई पर आधारित। टेक केयर।